नमस्कार दोस्तों, आज हम विजिट करेंगे द पार्क रॉयल, जो कि मुकुंदपुरा में रावत पब्लिक स्कूल के पास में, भाकरोटा के पास में स्थित है। और ये हमारा मेट्रो स्टेशन ऑफिस है और मानसरोवर। हम यहाँ से चलेंगे सीधे अजमेर रोड होते हुए भाकरोटा, भाकरोटा से सीधे चलेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो भी वीडियो को देख रहे हैं या जो भी प्लॉट लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है सर जैसे आपने वीडियो देखी और आप डायरेक्ट विजिट के लिए आ गए, क्योंकि उस टाइम पे हम भी बिजी रहते हैं। मेरे साथ में ऐसे कुछ बहुत सारे केस अभी हुए हैं कि वीडियो देख के और फ़ोन किया है कि अनिल जी आप विजिट करवा दो, हम प्रोजेक्ट पे पहुंचने वाले हैं। अब उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं रहता क्योंकि मैं मेरे कामों में लगा रहता हूँ। अगर आप जो है विजिट करना चाहते हैं, तो एक दिन पहले, मात्र एक दिन पहले आप एक बार कॉल कीजिए मुझे या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए मेरे नंबरों पे। फिर उसके बाद में हम टाइमिंग सेट करेंगे, उसके बाद में जब हम चलेंगे विजिट पे तो एक अलग ही आनंद आएगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है, जो भी जयपुर से बाहर के हैं या जयपुर के हैं, जो भी विजिट वगैरह करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं या मीटिंग करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो एक दिन पहले फ़ोन करें, दो दिन पहले फ़ोन करके फ़िक्स टाइम कर लें अपना, और बिल्कुल टाइमिंग फ़िक्स करके उसके बाद में मिलेंगे, तो मैं भी अपना टाइम दे पाऊँगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट आ जाओगे तो फिर न तो मेरे पास टाइम रहेगा न मेरी टीम के पास रहेगा। अगर उस टाइम पर मैं फ्री हुआ तो ही मैं टाइम दे पाऊँगा। तो जैसे ये बात हुई अपॉइंटमेंट की, अब इसके आगे चलते हैं। हम आ चुके हैं अजमेर रोड पर, अभी हम भाकरोटा से यूनटर्न लेंगे वापस और भाकरोटा मार्केट होते हुए अपने प्रोजेक्ट पे चलेंगे। ये पूरा भाकरोटा का मार्केट है, और जो कि अब ये वाला जो रोड है, ये 200 फीट का रोड है, ट्रैक्टर रोड है, जो कि अजमेर रोड से आ रहा है बिल्कुल। और ये 200 फीट का रोड है और सीधा रावत पब्लिक स्कूल पर जा रहा है। ये चौराया बन गया और ये अपना बोर्ड लग रहा है उसका प्रोजेक्ट का। ये बड़े बड़े गोदाम, वेयर हाउस वगैरह बने हुए हैं। और अब भाकरोटा से हम निकल के अब हम सीधा जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ये वेयर हाउस दिखा रहा हूँ, ये है रावत पब्लिक स्कूल जिसकी मैं बात कर रहा था, इसके नज़दीक में अपना प्रोजेक्ट आया है। ये बड़ी शानदार स्कूल है, इसकी एक ब्रांच प्रताप नगर में भी है और ये वाली ब्रांच मुकुंदपुरा भाकरोटा बोलते हैं इस जगह को। ये कृष्णा वन है ये प्रोजेक्ट। अब हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट द पार्क रॉयल पे, और वही सेम डेवलपमेंट के साथ में। इसमें भी 111 गज से लेके प्लॉट स्टार्ट है। ये मेन गेट है अपना प्रोजेक्ट का, देखने में भी बड़ा शानदार लग रहा है। ये वही लॉक टाइल की रोड वगैरह, वाओ। इसमें लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है वो अलग डिजाइन में है, और जो आप देख पा रहे होंगे पेड़ पौधे वगैरह लगा दिए क्योंकि नया प्रोजेक्ट है। तो आप देखिए और इस प्रोजेक्ट को, और इसकी रेट वगैरह हम डाल नहीं सकते, तो रेट के लिए आप मुझे कॉल या एसएमएस करें या आप कमेंट करें तो मैं आपको रेट वगैरह बता दूँगा। ये राइट साइड में जितने भी हैं ये पूरे प्लॉट्स है, ये रिटेल शॉपिंग सेंटर है, और ये हाइटेन से नीचे ग्रीन कॉरिडोर है। ये वाला पार्क है जिसमें क्या क्या सुविधाएं, अभी इसको मैं एक बार बाइक रोक के मैं दिखाऊंगा आपको सारी सुविधाएं। ये पार्क का व्यू है जो कि अद्भुत, और आधुनिक टेक्नोलॉजी पे हम डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट्स को। सारी सुविधाएं मिलेगी इस प्रोजेक्ट में भी आपको, सड़क, गेटेड टाउनशिप सड़क, सीवरेज, पानी की लाइन, पानी की टंकी, पार्क हो गया, ओपन जिम हो गया, मंदिर हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गए। ये नंबर ऑफ सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि मैं हर प्रोजेक्ट में सुविधाएं गिनाऊँ वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मेरे सारे सारे जो वीडियो रहते हैं वो सिर्फ गोकुल कृपा ग्रुप के हैं। अदर किसी प्रोजेक्ट के या और किसी कंपनी के कोई भी वीडियो नहीं आते। तो आप देखिए इस प्रोजेक्ट को, और मैं थोड़ी सी कंपनी की हिस्ट्री वगैरह बता देता हूँ। अपना जो गोकुल कृपा ग्रुप है वो 2012 से हम काम कर रहे हैं, हमें 9 साल से ज़्यादा हो गए काम करते हुए। आज तक जो हमने काम किया था
या काम किया है या आगे काम करेंगे वो सिर्फ JDF रूट में काम करते हैं। इसके अलावा हम कोई सोसाइटी 90A 90B या कोई भी और तरह के जो पट्टे वगैरह होते हैं उसमें रजिस्ट्री वगैरह होती है उसमें हम कोई काम नहीं करते। हम ओनली जो काम करते हैं वो JDF रूट एंड रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट में ही करते हैं, जो कि रेरा 2016 में आया था। उसके बाद में सारे के सारे रेरा अप्रूव्ड या रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट और रेरा रजिस्टर हम भी सभी रहते हैं। सेकंड बात करूँ कंपनी का जो ध्येय है, हमारे जो ग्रुप का जो ध्येय है वो पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा है कि हर आदमी को अपना घर मिले। जो जयपुर में घर लेना चाहता है उसका सपना पूरा हो, क्योंकि हमारी जो रेट रहती है वो रीजनेबल रहती है। और हम क्या करते हैं, जो माहौल होता है ना, एक लोअर क्लास वाला आदमी 2-4 लाख रुपए दे के वहाँ पर घर लेता है और 2-4 हज़ार रुपये की किस्त भी भरता है, तो हम उन कैटेगरियों को उठा के एक सर्विस क्लास के साथ में रहने का भी मौका देते हैं। क्योंकि हमारे जितने प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सर्विस क्लास रहते हैं और शानदार तरीके से डेवलप करते हैं, तो वहाँ पर अपने बच्चों को जो माहौल मिलता है वो अलग ही लेवल पे मिलेगा। आप खुद देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट किस टाइप के होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम जो माहौल चेंज कर रहे हैं पूरे जयपुर का, उसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका हम निभा रहे हैं। और साफ सुथरा काम है बिल्कुल, कोई हिडन चार्जेस, कोई डेवलपमेंट चार्जेस, कोई ऐसा कुछ चार्जेस होता नहीं है हमारे साथ में। ये कोई चैलेंज आते नहीं है हमारे सामने की जो कि और लोगों के साथ में आते हैं, तो इसलिए साफ़ सुथरा काम है और JDF अप्रूव्ड है। आप जाके देखोगे तो एक वहाँ पे फॉर्म का एक लिंक है, आप उस फॉर्म को फिल कर लीजिए और उसके बाद में मैं या मेरी टीम आपको कॉल करेगी और आपको सही सजेस्ट करेगी कौन से लोकेशन में आपको घर या प्लॉट लेना चाहिए। धन्यवाद।